चलो बेटा शुरू करें अपने आज के क्लास। बेटा चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? कंपनी। कंपनी में हम लोगों ने बात की थी किसकी? इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा चैप्टर चल रहा था, और वहां पर हम लोग पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंच चुके थे बेटे? प्रोराटा तक। ठीक है, आज हमारा आगे का काम शुरू होता है जी। आज कोई रिविजन नहीं, रिविजन हमारा कल तक हो चुका। ठीक है, और चलिए जी शुरू करें। दो तीन बच्चों का बड़े प्यारे मैसेज है कि सर अच्छा हुआ आपने साथ में रिकॉल भी कर दिया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। चलिए तो लेट स्टार्ट। बेटे हम कर चुके थे, कहां तक कर चुके थे जी? हम कर चुके थे सिचुएशन नंबर थ्री। कहां तक बेटा? सिचुएशन नंबर थ्री, और उसके अंदर भी कौन से वाला केस? पार वाला। कौन से वाला केस बेटा? पार वाला, जो था हमारा एग्जाम्पल नंबर एट। आई होप आपको याद होगा। आज हम कौन सा केस करेंगे? एग्जाम्पल नंबर नाइन। ठीक है, चलिए जी। तो फटाफट से एक बार मैं आपको दोबारा से यहां पे, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, लिख देता हूं। हम कर रहे हैं सिचुएशन थर्ड में कौन से वाला केस बेटा? हम कर रहे हैं यहां पर, हम कर रहे हैं जी केस नंबर टू। केस छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर नाइन है ना जी, एग्जाम्पल नंबर नाइन, जहां पर बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा है, और उसके अंदर जो इश्यू प्राइस है, लिखें यहां पर क्या लिखेंगे? इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। तो फटाफट से एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जी जल्दी से। ठीक है, लिखिए। कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो इश्यू किए गए? नंबर ऑफ शेयर्स जो इश्यूड हैं, जो इश्यूड हैं बेटे वो कितने हैं जी? वो हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी। ओहो, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड जो हैं वो कितने हैं जी? इज इक्वल टू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। चलिए जी ठीक है। वन लैख इक्विटी शेयर्स। अब यहां पे क्या कहानी है जी हमारी? यहां पर ये कहानी है जी, इसमें जो अप्लाइड जो थे, क्या थे बेटा? अप्लाइड जो थे, जो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स, अब पे सही है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो थे वो थे बेटे कितने? 2,20,000। कितने थे? 2,20,000। ठीक है, और यहां पर किस तरह से मांगा गया था? जो पर शेयर मांगा गया था, पर शेयर जो डिटेल है हमारी बेटा वो कैसी है बेटा जी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड, फाइनल कॉल, 2-3, 2-3। और बेटे यहां पर हमने मान लिया कि 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, जो हमने कब मांगा बेटा? अलॉटमेंट पे। बेटे कुछ नहीं बताएंगे तो हम किस स्टेज पे मांगेंगे? मानेंगे अलॉटमेंट की स्टेज पर मांगा जा रहा है। तो बताओ टोटल कितने रुपए मांगे गए? 10 + 2 मतलब 12 रुपए। कितने बेटा?
12 रुपए, एक शेयर पर कितने रुपए मांगे जा रहे हैं? 12 रुपए। धीरे धीरे करोगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, और जल्दी जल्दी करेंगे तो बेटे उड़ भी सकते हैं। तो इशू कितने किए शेयर हमने? 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी आई जी? 2,20,000। पिछले वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करेंगे ताकि डिफरेंट डिफरेंस करते ना हो जाए। अच्छा, अप्लाइड थे हमारे, चलो ये भी हो गया जी। अब इनका किस तरह से डायरेक्टर ने हिसाब किताब किया था जी, वही जो पिछले वाला केस था वही यहां पे डालना है। डायरेक्टर्स डिसाइडेड एज अंडर, डायरेक्टर्स ने इस प्रकार से डिसाइड किया बेटे। सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि जो 3 तरह की कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, जिन्होंने अप्लाई किए थे इतने शेयर्स उनको कितने हुए अलॉट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। भाई जिसने मांगे थे, कैटेगरी ए में थे 80,000 और उनको हमने 80,000 ही अलॉट किए थे। हम कौन? कंपनी के डायरेक्टर। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते रहना बेटे, इतना तो स्टडी मैट और स्कैनर में नहीं मिलेंगी चीजें जितने हम लोग क्लास में करेंगे, तो आप प्लीज इनको साथ साथ नोट करते रहना। दूसरा लिखूं सेम वही कल वाला, क्या? कैटेगरी बी, कैटेगरी बी है हमारी जहां पर 1,20,000 एप्लीकेशन को हमने दिए थे 20,000 शेयर, और बेटे इधर है हमारी कैटेगरी सी, वहां पर क्या है 20,000 एप्लीकेशन को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो बेटे इस तरह से डायरेक्टर ने डिसाइड किया था, पूरी 2,20,000 एप्लीकेशन जो आई थी, जो 2,20,000 एप्लीकेशन आई थी उनको 1,00,000 शेयर्स किस किस तरह से अलॉट किए, वो इस प्रकार से अलॉट किए थे डायरेक्टर्स ने। ये उनका ऐसे डिसीजन था। क्वेश्चंस में जो पूरा चैप्टर करने के बाद डाउट आते हैं उन पॉइंट्स को मैं उस स्टेज पर एग्जांपल में लिखाऊंगा, ध्यान रखना। आप मेरे एग्जांपल करोगे तो समझ लो आपको गलती से अगर आप कुछ भी नहीं रिवाइज कर पाए, एटलीस्ट मेरे एग्जांपल्स रिवाइज कर लेना, और जो मैंने नोटिंग करा रखी है वो तो जरूर रिवाइज कर लेना, सारी कवरेज उसमें हो जाएगी। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं छूटेगा, डाउट वाला पॉइंट कुछ नहीं छूटेगा। क्वेश्चन में जो चीजें मिलने वाली है वो एग्जाम्पल में पहले ही डाल रहा हूँ आपको। क्या सर? बताओ सर। अब यहां पर एक पॉइंट आता है जी, बहुत ही काम का। क्या? ठीक है जी, डायरेक्टर ने ये डिसाइड कर दिया। अब ये बताओ सर, ये जो 1,20,000 की एप्लीकेशंस हैं, हाँ जी, हमने कल हिसाब किताब लगाया था, आज भी वैसे हिसाब किताब लगा। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यहां पर ध्यान रखने के हैं। क्या है सर? कि ये जो 1,20,000 शेयर्स हैं इन्हीं का तो एडवांस रहा होगा। बताओ बेटे, 80,000 शेयर्स का कोई एडवांस रहा होगा? मतलब ही नहीं, जितने शेयर्स मांगे उन्होंने उतने दिए, तो उनका कोई भी रुपया एडवांस नहीं था। जो कैटेगरी सी है 20,000, उनका एडवांस का मतलब ही नहीं है, उनका तो बल्कि पैसा वापस कर दिया, रिफंड कर दिया, रिजेक्ट करने का मतलब रिफंड कर दिया, उनको एक भी शेयर्स नहीं दिया। तो एडवांस की जब भी बात उठेगी तो वो किसकी उठेगी? 1,20,000 शेयर्स की बात उठेगी, सबसे पहले तो ये पॉइंट। अच्छा, अब अगली बात, अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है सर? इन पे जो एडवांस आएगा ये बताइए वो कहां तक का एडजस्ट किया जा सकता है? कुछ ना बोले क्वेश्चन में बेटा, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, एक मिनट। क्या है पॉइंट बेटे? आज की डेट में जो हमें करना, पहले वो बता देता हूं। आज की डेट में 1,20,000 शेयर्स पर जो पैसा आया उसमें से 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का रोक के सारा पैसा फाइनल कॉल तक रोकने का अधिकार है। कुछ नहीं बोले क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है? लास्ट तक, क्या कहा मैंने बेटा? लास्ट तक, फाइनल कॉल तक जितना भी पेमेंट बनता है 20,000 शेयर्स पर, क्योंकि जब किसी को 20,000 शेयर दोगे तो 20,000 शेयर्स पर ही तो बात करोगे लास्ट कॉल तक। हाँ सर बिल्कुल, लास्ट कॉल तक वहीं तक जाएंगे। तो उनका पैसा अगर 1,20,000 का इतना ज्यादा आया हुआ है कि वो 20,000 की फाइनल कॉल तक एडजस्ट हो, तो हम वहां तक रोक सकते हैं सर, बिल्कुल रोक सकते हैं।
सर इसमें क्या नई बात बता दी? दरअसल नई बात इसलिए है, ये अब से जो पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे स्कैनर में, पहले कॉन्सेप्ट अलग था, पहले कॉन्सेप्ट अलग था। क्या था सर? आज ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी, मैं एक्चुअली सीएस भी पढ़ाता हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव की भी क्लास लेता हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो मेरे को सीएस एग्जीक्यूटिव का भी सिलेबस पूरा पता है, एक एक पॉइंट में वहां से आपका हमेशा मैच करे बैठा रहता। दरअसल कंपनी सेक्रेटरी के जो सिलेबस था वहां पर ये बात हुआ करती थी, जो हमारे यहाँ पर ले आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी कंपनी का चैप्टर आया है। ठीक है, कैसे सर? वहां पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया है, अब हो गया है। पहले ये हुआ करता था कि अलॉटमेंट के बाद कोई भी पैसा रोकने को नहीं कह सकता। क्वेश्चन में होता क्या था, अलॉटमेंट तक जो एडजस्ट हो जाए, बाकी का सारा पैसा रिफंड करना पड़ता था। तो सीए फाउंडेशन वाले जो स्कैनर हैं, जहां पर पुराने वाले सॉल्यूशंस होंगे, ध्यान रखना मैं जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे हो सकता है लाइकली ले लें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन वाले जो पुराने स्कैनर के सॉल्यूशन है हमारे, जो हम पास के एग्जाम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं सी इंस्टीट्यूट की साइट पर या कहीं से भी, हो सकता है आपको अपडेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना मिले, अपडेटेड सॉल्यूशंस ना मिले, मैं आपको वो अपडेट बता रहा हूँ। क्या पुराने वाले टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक रोकने का अलाउ करते थे, यानी कि अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा था फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल के नाम का, वो रोकने नहीं देते थे, तुरंत वो रिफंड करा दिया करा करते थे। तो पुराने सॉल्यूशन हमारे उसी पर बेस्ड हुए, जो अब हट चुके हैं, हमारे हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो टोटली अपडेटेड है। तो ध्यान रखना ये चैप्टर हमारा बिल्कुल सीएस एग्जीक्यूटिव के चैप्टर की तरह हो गया है, क्योंकि वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम। अब क्या हो गया सर, वही जो मैंने तुम्हें पिछले एग्जाम्पल में कराया था, वही जो मैं अब एग्जाम्पल में करा रहा हूँ, लास्ट कॉल फाइनल कॉल तक एडजस्ट होगा जी। सबसे पहली बात, पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर है, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने किया था, एक आध बच्चे का समझ में आता है जो रिस्पॉन्स दे रहा होता है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है जी, ओके ठीक है। अब अगली बात, एक दूसरा मेजर पॉइंट क्या बेटे, 2 मिनट सोचो जरा। अगर मान लिया किसी पर्सन ने एप्लीकेशन पर पैसा दिया और वो एडवांस पैसा दिया, तो हम कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं? बोलो सर हम ना यहाँ पर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर सकते हैं, सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भले ही इस क्वेश्चन में ऐसा ना हो, लेकिन बेटे एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहां पर ये बात आएगी। क्या बात आएगी सर? कि एप्लीकेशन पर जो पैसा आया वो एडजस्ट करने जब हम चले, कहां पर चले? अलॉटमेंट पर, तो वो पैसा इतना नहीं था कि वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाए, कैपिटल के नाम का भी और प्रीमियम के नाम का भी, मतलब एडवांस तो है एप्लीकेशन में थोड़ा था, यहाँ तो 1,20,000 के लिए 20 दिए तो बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन कहीं पे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहां पर पैसा एडवांस तो होगा, जहां पर पैसा एडवांस तो होगा, लेकिन वो एडवांस इतना ज्यादा नहीं होगा कि अलॉटमेंट की कैपिटल को भी पूरा कर दे और प्रीमियम को भी पूरा कर दे। अब सवाल ये है कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस चीज में हम लोग मानेंगे कि ये प्रीमियम का पैसा है कि कैपिटल का पैसा है, क्योंकि बेटे जो पॉइंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, फोरफीचर इसी पे डिपेंड है, फोरफीचर इसी पे डिपेंड है। फोरफीट मतलब इसका आगे का कॉन्सेप्ट है कि शेयर्स को फोरफीट कर लेना अगर कोई पूरे पैसे ना दे, तो जो पैसा दिया वो किसका मानेंगे, कैपिटल का मानेंगे कि प्रीमियम का मानेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। बात पूरी करने दो फिर मैं डाउट लूंगा। क्या ये जो पैसा यहाँ पर एप्लीकेशन पर अगर मान लिया कोई एक्सिस पार्ट आया, तो हम उसको जो जरा सा एक्सिस पार्ट है, जो पूरे 5 रुपए नहीं है, मान लिया 1 रुपया एक्स्ट्रा है, तो वो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा है वो तुम कैपिटल में मानोगे या प्रीमियम पे मानोगे? मैं हमेशा क्लास में उन पॉइंट्स को पहले सामने रखता हूँ जो चैलेंजिंग रहते हैं चैप्टर के, जिनको हर किसी को मैंने देखा है कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में चैलेंजिंग देते हैं, मैं उन पॉइंट्स को पहले खोल के रख देता हूँ कि ये है यहाँ पे सबसे बड़ी जो गिरावट है, उनको पहले फोकस करके चलो, चैप्टर तो आसान लगेगा ही लगेगा फिर आपको। तो किस में एडजस्ट करेंगे, ध्यान रखना पहले यहाँ पर भी अलग कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब यहाँ पर क्या अपडेशन आई है, किस में मानेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड बहन। अब हम इसको कहाँ पे मानेंगे बता दूँ? बोलो बेटे जी, एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुई है वो सबसे पहले कहाँ पे मानेंगे बेटे? कैपिटल। किस में मानेंगे सबसे पहले? कैपिटल में। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है बेटे? कैपिटल में।
हमारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव जो लेवल है उसके मटेरियल की तरह अपडेट हो चुका है, ठीक है। पहले नहीं था, पहले यहां पर हुआ था ब्लैक मनी में, मतलब प्रीमियम पे मानते थे, किसे मानते थे, प्रीमियम पे माना करते थे, लेकिन अब क्या है वो हमारा कैपिटल पे माना करते हैं। चलिए तो दो बात मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात, कुछ नहीं बोले तो फाइनल कोर्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं, पुराने सॉल्यूशन भूल जाओ अगर कोई हमें मिले। अच्छा दूसरी बात, किस में एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में पहले एडजस्ट करेंगे अगर एडवांस जरा सा है, पूरा नहीं। हाँ बिल्कुल सही सतीश, वेरी गुड, पहले कैपिटल उसके बाद में प्रीमियम, वेरी वेरी गुड, यही मैं समझा रहा हूँ बेटे। तो अगर कहीं आपको पुराने सॉल्यूशन मिले तो आप जरा प्लीज उनसे बच के रहना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरे बच्चों को दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत होगी, तो मैं इसलिए पहले वो पॉइंट यहाँ पे रख रहा हूँ जो चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट सर, चलो सर अब कराओ सर, आओ बेटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर हम ना उन पॉइंट्स को लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन के एक और पॉइंट। चलो यहाँ पे कोई मैं एरियर एरियर कुछ निकाल रहा, बस इतनी बात करते हैं, ठीक है, करें शुरू, आइए शुरू करते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी, करो बेटे फटाफट से। चलिए आइए जी, फिर मैं स्टार्ट करता हूं, एक डाउट ले लूं, बोलो वरुण, फिर मैं शुरू करता हूं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। सर जी, अगर किसी कस्टमर ने एप्लीकेशन पे थोड़ी सी एक्सेस मनी दे दी जिसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, बट अलॉटमेंट में भी वो दो या तीन शेयर्स में ही एडजस्टमेंट हो रही है और थर्ड शेयर में आके वो 50% एडजस्ट हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता। अच्छा ऐसा हो, मान लो किसी ने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया हो, उसने एक्सेस मनी दी हो बट उसको, सॉरी 8 शेयर, उस वो क्वेश्चन आएंगे अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी सर। इसमें टेबल जो 12th में सीखी थी वो बना सकते हैं, वो आसान थी, वेरी गुड बेटे, अगर आपके सर ने मैडम ने सिखा रखी है और आपको आसान लगती है, मेरे बच्चों का बस रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपके टीचर ने, 12th के टीचर ने बना रखी है कोई ऐसी टेबल और आपको वो अच्छी लगती है तो प्लीज आप उसको रेफर कीजिए जरूर। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप वैसे ही करें जैसे मैं करा रहा हूँ, जरूरी ये है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए और सही आंसर आना चाहिए, पर देख लेना कहीं फसफुसा ना जाओ, मुझे दिखाते रहना। एनीवेज आइए जरा, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से जनरेट्री का फॉर्मेट खींचेंगे और आपको एग्जाम में ध्यान रखना बेटे। क्या सर, क्या ध्यान रखना है सर? बेटे आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रेजेंटेशन के साथ बात करनी है एग्जाम में। कैसे बात करनी है जी? बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ में, तो हमें जनरेट्री भी करनी होगी तो विद प्रेजेंटेशन करनी होगी। बाद में ये मत कहना कि सर आपने प्रेजेंटेशन नहीं सिखाई, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में घुसते घुसते, सर समझ में नहीं आ रहा लिखे कैसे, और आपके लिए तो बहुत जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना। क्या सर? डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। नंबर कटेंगे फाउंडेशन लेवल पे तो नंबर कटते हैं जी। मैं जरा स्क्रीन छोटी कर देता हूँ अपनी, हाँ जी। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, लिखो बेटा जी, डेट्स, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हाँ बिना टेबल के भी बना सकते हैं जी, वर्किंग नोट तो बेटे अपनी चॉइस होती है ना। हाँ आइए जी, अब फिलहाल हमने यहाँ पे डेट तो डाली नहीं, जहां डेट नहीं मिलेगी हमें क्वेश्चन में वहां पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग डाल देंगे। और बेटे ऐसे जरूर करिए ना अगर हो सके तो, अगर आप ऐसे कर सको तो मजा आ जाए, अगर डेट नहीं दे रखी है तो आप ऐसे जरूर कर लेना, बल्कि डेट भी दे रखी है तो भी बढ़िया रहेगा। ऑन
एप्लीकेशन ऑन एप्लीकेशन, पहली एंट्री किस चीज की है बेटा? रिसीव्ड। एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले एंट्री होती है रिसीव की, और दूसरी एंट्री किस चीज की होगी जी? दूसरी एंट्री होगी ड्यू की, कैपिटल ट्रांसफर करने की। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस डाल दें, कुछ रिफंड भी निकल के आने वाला ना, तो जगह कम ना पड़ जाए। चलिए जी, बी एंट्री हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। ड्यू, चलिए जी। फिर अगली एंट्री क्या होगी हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन निपटाने के बाद में? फिर हमारी बात होगी जी अलॉटमेंट की, नंबर सेकंड एंट्री ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट पहली एंट्री होगी हमारी किसकी बेटा? ड्यू की। फिर दूसरी एंट्री हमारी किस चीज की होगी बेटा? रिसीव की। यहां तक करने के बाद में फिर हमारी आएगी बेटा क्या? फर्स्ट कॉल। और सेकंड कॉल, नंबर थर्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ए ड्यू एंट्री, बी रिसीव्ड एंट्री, कई बच्चे क्या करते हैं अलॉटमेंट के साथ में रिसीव एडवांस का एडजस्टमेंट करते हैं जी, गलत है बेटा। अलॉटमेंट जब सॉरी ड्यू के साथ में एडजस्टमेंट का करते हैं, किसका? एडवांस का। नहीं बेटे, सिर्फ बैंक की एंट्री के साथ में एडवांस एडजस्ट किए जाते हैं, ना कि ड्यू के। नंबर फोर ऑन सेकेंड कॉल, सबसे पहली बात क्या है बेटा? ड्यू, और बेटे दूसरी बात क्या है? रिसीव्ड। सर अलॉटमेंट स्टेज पर फर्स्ट ड्यू देन रिसीव एंट्री होगी? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो। देन व्हाई एट एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट रिसीव देन ड्यू, प्लीज क्लियर इट। ओके, हालांकि मैंने ये बात बताई थी, मैं चाहता हूं अगर कोई बच्चा इसका आंसर दे तो मजा आ जाए। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं जी, कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा कि एप्लीकेशन के टाइम पर क्यों ऐसा होता है कि पहले रिसीव की एंट्री होती है और फिर ड्यू की एंट्री होती है, जबकि बाकी सब जगह पर पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है? जाओ जाओ, जाओ। इस पे नहीं, किसी और पर रखो। हाँ बेटा, है कोई बच्चा बताएगा? सर जी, क्योंकि हमें चेक करना होता है कंपनी का कि कितने पर्सन ने अप्लाई किया हुआ है एक्चुअली, क्योंकि ड्यू तो उसके बाद होता है और उसमें ये बस। और कोई बच्चा? सर ड्यू में तो मतलब कंपनी पहले नोटिस भेजती है फर्स्ट कॉल का, सर जैसे पेमेंट करना है तो पहले सर ड्यू का नोटिस जाता है, उसके बाद फिर पेमेंट होती है। और कोई बच्चा? बेटे कोई भी बच्चा नहीं बताना चाहेगा? सर एप्लीकेशन में सर पहले पैसे रिसीव होता है फिर सर अलॉट होता है उसके बाद, इसलिए।
सर सबसे पहले पैसे रिसीव होते हैं, इसलिए सुन रहे मेरी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड आर्यन। सारे बच्चे सुनो ध्यान से बेटे, एप्लीकेशन आएगी ठीक है, चलो मान लिया जैसे पहले होता था फेस टू फेस में हम क्या करते थे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसे समझाने के, दिल पे मत लेना। हमारे यहाँ पे क्या था, सीटें भर जाती थी बच्चों की, तो क्या होता था कि हम लोग ना 6 महीने के बाद के एडमिशन शुरू करते थे अपने यहाँ पे। अब दो बच्चे आए, उन्होंने कहा कि सर आपके पास में कितनी सीट है, मैंने कहा बेटे फेस टू फेस में हमारे पास में सिर्फ 85 सीट रहती थी फेस टू फेस में, तो सर आप मेरा नाम लिख लो मैं भी 6 महीने बाद आऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा बताओ, अब मैं उसकी सीट किसी और को देना चाहूंगा बताओ, नहीं देना चाहूंगा ना, क्योंकि उसकी सीट फिल हो चुकी है। लेकिन वो 6 महीने बाद नहीं आया और उसके चक्कर में मैंने किसी और बच्चे को सीट नहीं दी, बात में समझ रहे हो, तो इसलिए क्या होगा, नहीं भाई अगर किसी को शेयर चाहिए तो आप एक काम करो, एक छोटी टोकन मनी आप जमा करा के जाओ ताकि हमें पता चले कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं टू परचेज शेयर्स। इसलिए बेटे एप्लीकेशन की स्टेज पर सबसे पहले पैसे की रिकवरी की जाती है, पैसा रिसीव किया जाता है ताकि, और पैसा वही निकालेगा जेब से जो सीरियस होगा किसी भी चीज में। तो सबसे पहले क्या होता है, शेयर्स की एक छोटी इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के टाइम पर ले ली जाती है ताकि ये पता चले कि जो कैंडिडेट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर रहा है वो सीरियस कैंडिडेट है। और इसी वजह से एप्लीकेशन वाली स्टेज पर सबसे पहले रिसीव की एंट्री की जाती है, तब देखा जाता है कि भाई सीरियसली कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उस एप्लीकेशन को अलॉटमेंट वाली डेट पर, ये जो हम एंट्री करते हैं ना एप्लीकेशन की अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, ये बेसिकली अलॉटमेंट वाली डेट पर कर रहे होते हैं कि किस किस की एप्लीकेशन मानी गई, और चलो उन इनको जिन इनको हम शेयर अलॉट कर रहे होते हैं उन उनकी ही एप्लीकेशन मानी जाती है, बाकी का रिफंड कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी अब इस पॉइंट में डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट मैंने शुरू में ही आपको क्लियर किया था, इतनी सारी थ्योरी पका पका के कराई, ठीक है, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, कोई भी डाउट आए लेकिन पूछो जरूर, है ना। आइए जरा, एंड डोंट वरी अगर आपको दोबारा भी डाउट आए तो प्लीज पूछ जरूर लेना बच्चों, है ना, एग्जाम में नहीं यहीं पर ट्रायल करना है सब कुछ। आइए जरा, बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट हमारी रही है यहाँ पे क्वेश्चन में वो यहाँ पे आएगी, और बेटा फटाफट से करेंगे, पार्टिकुलर्स जल्दी लिखो, नोट नंबर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों को इतनी बातें तो पता है, वरना मैं एक काम और करने वाला हूं, फाइनल अकाउंट के लिए आपके लिए ना एक अलग से लेक्चर लगाना चाहता हूं, आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सीए इंटर का वो वाला लेक्चर देखें जहां पर शेड्यूल थर्ड पूरी प्रैक्टिस हमने क्वेश्चन के साथ करा रखी है, ताकि आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। आइए जरा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, सबसे पहले यहाँ पे क्या हेडिंग है जी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और इधर दूसरी तरफ यहां पर है जी असेट्स। क्या सर हमें सारी डिटेल डालनी पड़ेगी बैलेंस शीट में? नहीं बेटे, आपको सिर्फ क्वेश्चन से रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट डालना है, इसीलिए बैलेंस शीट में एक वर्ड जोड़ देंगे हम लोग, जो भी डेट है रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, क्या लिख देंगे हम लोग, रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट, यानी कि रिलेवेंट पार्ट हम लोग दे रहे हैं बैलेंस शीट में, पूरी बैलेंस शीट तो बन नहीं सकती जब तक डाटा पूरा ना हो। तो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री, और बेटा क्या दूसरी बात, क्या बैलेंस शीट, और तीसरी चीज हम लोग क्या बनाएंगे जी वहां पर, अब हमारे शुरू हो जाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमारा क्या होगा, टेबल बनेगी जी, टेबल बनेगी और एक चार्ट बनेगा, ठीक है जी। आइए जी, तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे बेटे, एक टेबल बनाएंगे, और बेटे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अभी डांट पड़ने वाली है बहुत ज्यादा आज सब पे, जिन जिनकी वीडियो ऑफ है, और मैं सच में आज ना मैं अभी रिमूव करने वाला हूँ, अजीब हालत हो गई बच्चों की, अजीब आदत हो गई है। वर्किंग नोट नंबर वन, मत कहना फिर मुझे, मैं देखो अभी क्लास से रिमूव हो जाएंगे बच्चे जिनकी वीडियो ऑफ रहेगी। टेबल में बताओ बेटे मुझे, कॉलम बताओ कौन कौन से कॉलम होंगे, कौन बच्चा बताएगा जी मुझे, पहला कॉलम कौन सा है जी, पहला कॉलम पर शेयर बेटा, दूसरा कॉलम बोलो बोलो, शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल, और मैं एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि वो उन बच्चों को मैं रिमूव करने वाला हूँ जिनकी वीडियो ऑफ है। अच्छा फिर इसके बाद में तीसरा कॉलम बोलो बेटा है जी, बैंक, बैंक, वेरी गुड। फिर बोलो बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी गुड, सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट एडवांस, वेरी गुड, नहीं नहीं कॉल इन एडवांस नहीं, वर्ड क्या लिखेंगे, एडवांस। और क्यों लिखेंगे बताओ, हम कॉल इन एडवांस नहीं बोल के हम एडवांस क्यों लिखेंगे बोलो, क्योंकि ये देखो एक गया बाहर, मेरा फेवरेट बच्चे बाहर जाते जा रहे हैं इसी वजह से जा रहे हैं, ये गए दो गए और अच्छा ये आ गया, फिर वीडियो ऑन करो, और अभी कौन कौन है, अमन बेटी और सार्थक नलायक फिर आ गया, फिर वीडियो ऑन, वाह वाह फिर गया बार, और ओजस्विनी का तो खैर मेरे को पता है मेरी बात हुई थी, रितिका फिर बंद कर दी बेटा, अरे दो 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 रितिका कैसे, अच्छा देखो सार्थक सो रहा है, वो वेटिंग में घूम रहा है आराम से अभी तक, और कौन सा है, और मैंने एडवांस में सॉरी बोल दिया पहले ही, सतीश कह रहा है एक मिनट और छोड़ दो बस, हाँ लगे तो सही क्लास हो, मेरी बिटिया हंस रही है कह रही है रेडी आप किसे पढ़ा रहे हो, या तो कोई नहीं, मैंने नलायक अभी तेरे को दिखाता हूँ, देख देख कितने सारे बच्चे हैं, बताओ मेरी बिटिया से मेरा मजाक बनवा रहे हो शैतानों, आओ जरा मजाक कर बेटा। अगला कॉलम कौन सा है, जन्नत कह रही सर मैं बताऊंगी, जल्दी बोलो कौन सा कॉलम है, कॉल्स इन एरियाज, नहीं पहले तो ये देखो एडवांस है, अगला एडवांस के बाद कॉल्स इन एरियाज, वेरी गुड, इसके साथ वर्ड है कॉल का, है ना, ये देखो सार्थक सो रहा है ना, वो अभी तक वही है, अभी फिर बंद होगी फिर जाने वाले हैं। अच्छा फिर लास्ट वाला कौन सा कॉलम होगा बेटा, रिफंड, कौन सा कॉलम, रिफंड, आज तुम्हें करवाना है क्वेश्चन, आज मुझे नहीं करवाना, तुम लोग मेरे को करवाओगे, ध्यान रखना, तुमसे पूछ पूछ के करूंगा मैं, पहली स्टेज एप्लीकेशन, दूसरी स्टेज अलॉटमेंट, तीसरी स्टेज फर्स्ट कॉल, लास्ट वाली स्टेज है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टोटल दो बेटे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, दो तीन, और बेटे 2 रुपए कहां पे है प्रीमियम की, अलॉटमेंट पर, कहां पर है जी, अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर, ठीक है, लो बेटा जी, प्लस 2 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेबल कितने शेयर्स से बनेगी, अभी जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सृष्टि बताएगी, सार्थक बताएगा, बोलो सार्थक, 12, कितने से, 12, मैं पर शेयर की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ये टेबल कितने शेयर्स से बनेगी, 10 लाख, बताओ, ए यहाँ देखो बताओ मेरे को, 1 लाख से, वेरी गुड, बाकी बच्चों का भी आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, 1 लाख से, क्यों बनेगी जी 1 लाख से, क्योंकि शेयर जो है हमने 1 लाख शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन भले ही ज्यादा आ गई है लेकिन शेयर हमने क्या किया 1 लाख इशू किए थे, तो 1 लाख से ज्यादा हम दे भी नहीं सकते, वेरी गुड, बाहर घूम के अच्छा लगा एकदम, तरोताजा हो गया दिमाग, देखो सही आंसर दे रहा है, पर मैं क्लास में आया भी नहीं था, आपने निकाल पहले दिया, अरे बेटा वो एक्चुअली रूल है ना बाबू, थोड़ा सा वीडियो ऑन करने का बेटा, और कुछ नहीं, निकाल तो सकता ही नहीं मैं तुम्हें, तुम तो मेरे दिल में बसे हो, कैसी बातें करते, बस छेद कर रहे हो मेरे दिल में बैठ के, ढूंढ 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 गड्ढा खोद रहे हो नलायक को, हाँ इसीलिए वेटिंग में भेजा था।
आओ जरा बताओ कितने शेयर से बनेगी टेबल, 1 लाख से। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 12 ईच। चलो सार्थक कैपिटल का कॉलम भरो फटाफट। बीस हजार। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहा तू? एक मिनट, इसलिए सही नहीं दिख रहा, इसलिए 20,000 बता रहा है। अब देख सिस्टी बताएगी। अच्छा 2 लाख। हाँ यही तो, 2 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख। और तूने गलती से 10,000 देख लिए बेटा, है ना? मैंने 1 लाख को डिवाइड कर दिया 10 से। अच्छा अच्छा, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नीचे 3 लाख। हाँ जी 3 लाख। अब रुको, ध्रुव करवाएगा। ध्रुव यहाँ से तुम भरवाओ अलॉटमेंट, जल्दी बताओ कितने रुपए कैपिटल में कितने प्रीमियम में जाएंगे। सर 3 लाख तो उसमें कैपिटल शेयर। रुको सरबजीत बताएगी, सरबजीत बताना कितने कैपिटल में जाएंगे कितने प्रीमियम में जाएंगे, जल्दी बोलो बेटा। सर 3 लाख तो कैपिटल में जाएंगे और 2 लाख प्रीमियम में जाएंगे। चलो जी, ये कौन बोला, सरबजीत बोली थी? तो राधा की आवाज लग रही है। अच्छा ओके, चलिए बाकी बच्चे बताने वाले थे, मैंने कहा देख लूंगी जरा। चलो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कितने जाएंगे सौरभ? सौरभ बाल्टी कर ले सार्थक, सौरभ बताओ। 2 लाख। और सेकंड कॉल पे जन्नत, चलिए बोलो। 3 लाख। 3 लाख, ध्यान रखना आज तुम्हें करवाना है क्वेश्चन, मैं तो तुमसे पूछता रहूंगा, तुम मुझे आंसर देते रहोगे। लो बेटा जी, तो यहां तक कहानी तुम्हारी एकदम सही होगी, ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं कहां पर, अब क्या टेबल बिना चार्ट के बन जाएगी? चार्ट मतलब कैलकुलेशन वाला है। बेटे माइक बंद रखा करो, आओ जरा। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे सारे बच्चे, एग्जाम में भी ऐसे ही करना जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना? सीक्वेंस से चलोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, आइए। वर्किंग नोट नंबर 2, चार्ट, चार्ट शोइंग कैलकुलेशन, मतलब इसी पे ही सारा काम कर देना है, चार्ट पे ही सारे की सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। चलिए जी शुरू हो जाते हैं। बेटा मुझसे आगे आगे चलने की कोशिश करें, आप लोगों ने कर रखा है ये चार्ट, सबसे पहले बेटे यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं और बेटा अलॉटेड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसमें अप्लाइड और कितने हैं अलॉटेड। बेटे अप्लाइड हैं 2,20,000 और अलॉटेड कितने हैं 1 लाख। ध्यान रखना आप कहोगे सर ये तो कल वाले क्वेश्चन जैसा है, हाँ लेकिन वहां बेटे पार था, वहां प्रीमियम पे नहीं था इश्यू। आइए जी, तो इसका मतलब बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन अमाउंट कितनी मिली होगी बताओ, यहाँ पे एट द रेट रिसीव्ड कितना हुआ होगा अमाउंट, 2 रुपए के हिसाब से मतलब 4,40,000 रुपए मिले होंगे। और बनते कितने ड्यू होंगे 2 रुपए के हिसाब से बेटा, जब 1 लाख शेयर दोगे तो 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख ही तो लोगे कायदे से, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो कितने हैं 2,40,000। अब इसमें कैटेगरी ए, कैटेगरी ए में हिसाब किताब लगाते हैं जी। मैं एक काम करूं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं आपको, ताकि पूरा पेज एक साथ दिखाई दे, पूरा पेज एक साथ दिखाई देगा जी। हाँ जी, तो कैटेगरी ए की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, कैटेगरी ए, कैटेगरी ए बेटे यहां पर जो एप्लीकेशन है हमारी कितनी थी, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थी 80,000
और बेटे अलॉटमेंट भी कितना था 80,000। बेटे इनके तो उतने ही पैसे बनेंगे जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। सबसे पहली स्टेज क्या है बोलो, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पे होंगी दो बातें, पहली बात रिसीव्ड, दूसरी बात ड्यू। पहली बात रिसीव्ड और बेटे दूसरी बात ड्यू। बेटे एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 2 रुपए की, तो मतलब यहां पर आए कितने थे 1,60,000 और ड्यू कितने हुए 1,60,000 ही ड्यू हुए। क्या इनका कोई एक्स्ट्रा एडवांस कुछ है ऐसा, एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ पे किया क्या? नो बेटा, बना लेना, जरूर बना लेना साथ साथ में एक एक चीज। सौरभ बाहर जाने वाला है, बच गया। सार्थक, सरबजीत बाहर जाने वाली है, और कौन जाने वाला है बाहर? सर हाँ बेटा, आपने ऊपर ये क्यों लिखा है रिसीव में 440 तो समझ आए, 2 लाख क्यों लिखा है आप? भाई अलॉट कितने कर रहे हैं शेयर्स? अच्छा ठीक, आओ जी बेटा कैटेगरी बी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैटेगरी बी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कैटेगरी सी की। पहले कैटेगरी सी निपटा लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन कितनी आई जी? इसमें आई थी जी 20,000 एप्लीकेशंस, और इनको अलॉटमेंट कितना हुआ जी? निल हुआ है जी। मतलब मैं अगर कहूं तो यहां पर हिसाब किताब कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, एप्लीकेशन जो 2 रुपए की है सबसे पहली बात वहां पे क्या है रिसीव्ड, बेटे दूसरी बात क्या है ड्यू। बेटे 20,000 रुपए के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए रिसीव हुए इससे? 40,000। कितने हुए? 40,000। और ड्यू कितने हुए? निल। क्या इसका कोई एक्स्ट्रा कुछ है क्या एक्स्ट्रा? नाजीना नाजीना नाजीना, निल। इसका तो रिफंड होगा ना? हाँ इसका तो सर रिफंड होगा, सारा का सारा रुपया इसका रिफंड होगा। नेक्स्ट बेटे यहां पर कैटेगरी बी की बात करते हैं, जहां पर एप्लीकेशन कितनी आई थी? यहां पर आई थी जी 1,20,000, और इनको बेटे अलॉटमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग? इनको हम कर रहे हैं अलॉटमेंट कितना, बोलो जी बोलो, बोलते नहीं हो? 20,000। वेरी वेरी गुड, हाँ जी। तो बेटे यहां पर हिसाब किताब कैसे लगेगा आइए, सबसे पहले बात होगी क्या, ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन कितने की बेटा एप्लीकेशन? 2 रुपए की। बेटे सबसे पहली बात यहां पे क्या है रिसीव्ड, रिसीव्ड, और फिर दूसरी बात क्या है बेटा जी? ड्यू। बेटा जितना इधर मेहनत कर लोगे ना वर्किंग नोट में उतना ज्यादा नंबर ठोस रहेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। बेटा कितने शेयर्स मिले सर? कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन मिली? 1,20,000 शेयर्स पर मिली, और बेटे 2 रुपए के हिसाब से मिली, यानी कितने रुपए आए? 2,40,000 रुपए आए। कितने आए बेटा? 2,40,000 रुपए आए। अच्छा, और फिर यहाँ पर बेटे ड्यू कितना हुआ? ड्यू सर हमने ना 20,000 शेयर्स थे जो हमने अलॉट किए, और बेटा 2-2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए बनते हैं कायदे से, तो मतलब कह सकता हूं इनका जो एक्स्ट्रा है वो कितना है? कौन बताएगा जी? बोलो ना। 2 लाख। मेरे साथ साथ नोट करते रहना बेटे, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। क्या 2 लाख रुपए सारा का सारा रिफंड होगा? नहीं सर, अभी हिसाब लगा एडजस्ट। हाँ वेरी गुड, अब इसमें से जितना आगे एडजस्ट होगा सो होगा, और बाकी क्या होगा बेटा? रिफंड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो आगे एडजस्ट होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं,
आगे जो एडजस्ट होगा और बाकी क्या निकल आएगा बेटा यहाँ पे रिफंड बैलेंस में फिगर। ठीक है बेटा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगली बात। आओ बेटा जी, नंबर सेकंड ऑन अलॉटमेंट। ओफो मैं तो भूल गया कैसे करना था। ओफो अब बच्चे मुझे मेरी हेल्प करेंगे। बताओ बेटे बताओ, अलॉटमेंट पर मैं कैसे कैसे लिखूं या बताओ। एग्जाम में मैं बैठा हूं, मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, बताओ बेटे क्या लिखूंगा। थ्री चेक करो एक बार। थ्री प्लस टू वेरी गुड। पांच रुपए है बेटा यहाँ पे, 3 + 2 वेरी गुड सार्थक। एट द रेट ऑफ 3 + 2 = 5। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर रिसीव्ड। ठीक है, आप बताओ जी कैसे कैसे लिखें। बोलो बेटा। 5 लाख। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे, सिर्फ सार्थक ही लगा पड़ा है। बाकी बच्चे के एग्जाम नहीं है क्या, जल्दी बोलो। तीन लाख और 2 लाख। अच्छा 3 लाख और 2 लाख। आइए बेटा सर, ड्यू में ब्रैकेट में ये ना डाल दे, अलॉटमेंट 3 लाख का और प्रीमियम 2 लाख का। डाल लो ऐसा अलग अलग ना डाल सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई नहीं। पर यहाँ पे हमारा इकट्ठे करने से भी काम चल जाएगा। आइए जी, 1 लाख रुपए यहाँ पर आने बनते हैं। बेटे बताओ 1 लाख में से, मतलब 2 लाख में से हमारे कितने एडजस्ट हो जाएंगे। सर हम एग्जाम में भी ऐसे तीर कांटे लगा सकते हैं क्या? नहीं बेटे। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या मैं सारे पैसे यहाँ से रिकवर कर सकता हूँ? यस रिकवर कर सकता हूँ, मतलब एडजस्टमेंट। जब एडजस्टमेंट हो गया तो बेटे क्या यहाँ पर कोई भी अमाउंट हमें रिसीव करनी थी यहाँ पर इस स्टेज पर? टू बी रिसीव्ड, क्या और कोई अमाउंट आनी रह गई है? ना जी ना निल। यानी 1 लाख रुपए हमारे सारे सारे इसे एडजस्ट हो जाने हैं। बेटे अगर किसी बच्चे को आसान लग रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन बेटे एक बात मैं आपको बताऊं, हल्के में मत लेना, यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। ऑन अलॉटमेंट के बाद में ऑन फर्स्ट कॉल। बेटे फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। बताओ जी ड्यू कितना हुआ? ड्यू हो गया 2 रुपए के हिसाब से। बताओ कितने शेयर्स पर कितना अमाउंट आएगा? 20,000 × 2 वेरी गुड, यस 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट। बेटे ड्यू तो ये हो गया, अब बात आती है कहां पर? रिसीव्ड की। अब रिसीव्ड के टाइम पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे सबसे पहले होगा एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के लिए क्या अभी भी हमारे पास बैलेंस है? जरा चेक करो, 2 लाख में से 1 लाख तो हमने एडजस्ट कर दिया था, अभी भी हमारे पास गुल्लक में रह गए थे 1 लाख बचे हुए थे। अब इसमें से फिर से हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। बेटे कितना एडजस्ट करेंगे बताओ? 40,000। वेरी गुड, हाँ 40,000 हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो क्या अलॉटमेंट पर कोई और रुपया आना है टू बी रिसीव? No. नहीं, सारा पेमेंट उसी में से एडजस्ट हो गया। बेटे एडजस्टमेंट अगर हो गया है यहाँ पर तो बताओ जरा गुल्लक में अभी और कितने बाकी हैं? 60,000। वेरी गुड, 60,000 अभी भी बचे हुए हैं। आइए जरा अब हम बात करते हैं नंबर 4 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपको मैं बता दूं, पहले मैं जो आपको बात बता रहा था, पहले ऐसा हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? या अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हो गया ये सारा का सारा रिफंड करा दिया करते थे पहले। तो वो जो पुराने सॉल्यूशन आप देखोगे वो ये इसका रिफंड करवाते हैं, वो आगे का एडजस्टमेंट नहीं करते। समझ रहे मेरी बात? तो वो मैं आपको बता रहा था आज। आइए जी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, और ये कितने की है? एट द रेट ऑफ 3। सबसे पहली बात क्या है बेटा? ड्यू।
और बेटा दूसरी बात क्या है बच्चों, रिसीट। बेटे ड्यू के टाइम पे हम देखेंगे 20,000 शेयर्स हैं जो लोड किए गए 3 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए बेटे ड्यू के हैं? 60,000। इसमें से एडजस्टमेंट कितना कर सकते हैं जी? अरे सारे का एडजस्टमेंट, वेरी गुड। तो क्या यहाँ पर कोई और रुपया मंगवाना है फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे? ना जी ना, पूरा पैसा उस एडवांस में से एडजस्ट हो गया जी, तो इसलिए यहाँ पर कोई और पैसा नहीं मंगवाना है। क्या गुल्लक में कुछ एक्स्ट्रा और भी बच गया कि हमें वापस करना पड़े? निल, कुछ नहीं बचा जी। तो भाई यहाँ पर कैटेगरी बी में से कोई भी रिफंड निकल के नहीं आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया जी सारा का सारा हिसाब किताब। एग्जाम में इन बॉक्स के अलावा, इन एरो के अलावा सारी चीज आपको प्रेजेंटेशन में ऐसे ही करके आनी है, अगर आप चाहते हैं सारे नंबर लेके आए, या इससे भी कोई और अच्छा तरीका तो आप मुझे बताना, है ना, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। आइए जी शुरू करें, लेट स्टार्ट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटे, सबसे पहले, हाँ बेटा, जो ये शेयर वाइज कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट में डाली है, इसको हम एंट्रीज के साथ ना दे दें, इतने अमाउंट का इतना शेयर है, अलॉटमेंट में इतना है, फर्स्ट कॉल में इतना, सेकंड में इतना। मैं नहीं समझा, एंट्रीज के साथ में? नहीं, बताओ बेटे, सारा का सारा एडजस्ट हो गया ना 2 लाख पूरा का पूरा? यस। तो इसमें से कोई रिफंड आ रहा है? नील, आइए जरा। तो बेटे शुरू से शुरू हो जाओ, सबसे पहले एप्लीकेशन पे जो हमें रिसीव हुआ वो कितना हुआ जी? 2,40,000। बेटा अब टेबल पूरी करो, सारे बच्चे टेबल पूरी करवाएंगे। यहाँ पे कितना निको बैंक में, कौन बताएगा जी? 4,40,000। वेरी गुड, 4,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ आएगा? ना जी ना। कॉल सीनियर्स में? ना जी ना। बेटे रिफंड में कुछ आएगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ भाई। नहीं आया। नहीं सर। अच्छा एडवांस में आएगा 2,40। अच्छा एक बार चेक करो फटाफट से वर्किंग नोट, चेक करो। 40,000 आएंगे सर। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड ध्रुव, सतीश बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे? सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे बताया, ये शायद 3 बच्चों ने। सतीश बोलो सर, 40,000। हाँ वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी सुने। बेटा हमने वर्किंग नोट किस लिए बनाया है? सर गर्मी अगर वहां पे लाइट भाग गई तो उसका फाड़ के ना पन्ना सर उसका हवा कर लेंगे सर, गर्मी लगेगी तो। जरा पढ़ना जरा फटाफट वर्किंग नोट। 40,000 रिफंड किस लिए निकाला था? इसलिए तो निकाला था, और मैं इसीलिए बोलता हूँ अगर आपके टीचर ने कोई 12th में टेबल ऐसी बनवाई हुई है तो प्लीज फॉलो दैट, लेकिन बस आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप वैसे कीजिए अगर जो तरीका बेस्ट लगे आपको। बेटा बस सही सॉल्यूशन करके आना, वर्किंग नोट हमारा कैलकुलेशन वाला ये बहुत जरूरी है एग्जाम में। आप ये तो ऐसे ही करके आना जैसे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, जैसे 20 कितने का रिफंड आ रहा है बताओ? 40,000 ना। तो हम क्या करेंगे बेटे, इस 40,000 के रिफंड की एंट्री करेंगे, भाई जिनका रुपया हम वापस कर रहे हैं वो तो डालेंगे ना। और ये इस 4,40,000 में शामिल है कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये इस 4,40,000 में शामिल है कि नहीं है जो वापस करना है? पहले 4,40,000 लिया, पहले 4,40,000 लिया, इसका मतलब उसके अंदर वो 40,000 आ गया, अब हम उसको वापस कर रहे हैं जी। आओ बेटा जी, बेटा लिखो फटाफट से यहाँ पे रिफंड 40,000। तो अगर देखा जाए एक तरह से बैंक में पहले 4,40,000 आए, फिर उसमें से 40,000 चले गए, तो बैंक में कितने रह गए होंगे? 4,00,000 रह गए। आइए आगे बढ़ता हूं, 4,40,000 में से 40,000 तो आपने कर दिए वापस, बचे कितने? 4 लाख। 4,00,000 में से 2,00,000 आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, तो यानी कि 2,00,000 रुपए इसका मतलब आपने एडवांस में रख लिए। बेटे ये कैटेगरी बी के एडवांस है, आप चेक करो एक बार प्लीज, मैच करो दोबारा से, ये कैटेगरी बी के हैं एडवांस के, ये वाले जो हमने आगे जाकर के कहीं एडजस्ट कर दिए। कैटेगरी ए का कोई एडवांस नहीं है जी, कैटेगरी बी सी का मतलब ही नहीं बैठता है जी। तो कैटेगरी बी के एडवांस है 2,00,000 रुपए। अब ये 2,00,000 रुपए आपने किस किस स्टेज पर कितने कितने एडजस्ट करे वो अमाउंट आप टेबल में डालोगे। जैसे आपने यहाँ पर 1,00,000 रुपए एडजस्ट करो अलॉटमेंट पर, तो अब आप क्या करोगे बेटे, अब आप जाओगे फटाफट से टेबल में अलॉटमेंट पे लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो? -1,00,000।
इस 2 लाख में से 1 लाख तो यही एडजस्ट हो गए। बताओ बेटे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए एडजस्ट हुए थे? महक कह रही सर मैं बताऊंगी, बोलो महक क्या हुआ? महक का वादा क्या हुआ बेटा, कैसे आज परेशान लग रहे हो? इसीलिए पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, सलवटे दिख रहे हैं आज महक के चेहरे पे पहली बार। बोलो बेटा सर फर्स्ट कॉल पे 40,000 फर्स्ट कॉल पे 40,000 40,000 अब शिष्य कहेगी सर महक की तबीयत खराब है, आओ जरा 40,000 जी 40,000 लो बेटा जी, लो बेटा जी यहाँ पे हो गया कितना 40,000। वेरी वेरी गुड सतीश, जिस बच्चे ने आंसर दिया। तो जी हम यहाँ पर टेबल में जाएंगे और कितने लिखेंगे 40,000। क्या कॉल सिनेरियस दिया है सर आपने क्वेश्चन में? नहीं बेटे मैंने तो क्वेश्चन को बहुत सिंपल किया आपके लिए, ताकि आप ना जैसे इंजन रवा करते हैं ना बार बार, हाँ जैसे बल्ले की थ्रो निकालते हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो थ्रो निकल के आएगी, वही है बेटा बस। चलिए जरा आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। बताओ बेटे सेकंड कॉल पे कितने रुपए एडजस्ट हुए? 60,000 वेरी गुड। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और 60,000 को वहां पर लिखेंगे माइनस 60,000। क्या प्रीमियम किसी और स्टेज पे आया? नहीं जी, तो इसका तो टोटल ऐसे हो गया 2 लाख पूरा का पूरा। बेटे इधर एडवांस का टोटल कितना आएगा? निल निल, वेरी गुड, नाम ही उसका एडवांस है, आगे वाले पेमेंट पहले, यानी कि आगे नहीं, तो टोटल एडजस्ट हो जाना है जी। आगे बढ़ते हैं, अब अंटू कह रहा सर मेरे से नहीं पूछते। अंटू बताओ जल्दी अलॉटमेंट पे बैंक में पैसे कितने आएंगे? अंटू बोलो जी, अंटू बताएगा कोई और नहीं बताएगा अभी? हाँ जी अंटू, लो जी अंटू भी गया वेटिंग में, वन आवाज आ गई, आवाज आ गई। अरे रेडियो नहीं चालू करनी, FM। अब बताओ कितने रुपए आएंगे बैंक में? अमन तुम बताओ, अमन 4 लाख पक्का? वेरी गुड। देखो बेटा 3 लाख तो कैपिटल के नाम क्या ने, 2 लाख कितने प्रीमियम के नाम क्या ने, यानी टोटल कितने 5 लाख, जिसमें से 1 लाख हमारे ऑलरेडी आ रखे हैं, तो अब बैंक में कितने आएंगे 4 लाख, 4 लाख बिल्कुल सही आंसर है बेटा, वेरी वेरी गुड। अब सेकंड फर्स्ट कॉल पे कैरी ओजस्विनी सर मैं मेरे से नहीं पूछ रहे, ओजस्विनी बोलो जल्दी, बोलो बेटा 1,60,000 बाकी बच्चे ध्यान दे कैसे भाई, 2 लाख रुपए की कैपिटल है और ऑलरेडी आ रखे हैं 40,000, यानी कि 1,60,000 रुपए बैंक में आने हैं। बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आर्यन कह रहा मैं तो थक गया, मेरे से तुमसे पूछ देंगे, आर्यन बोलो 2,40,000 ये राधा बाजी मार गई, चलो आओ 2,40,000 वेरी वेरी गुड। दो बेटा जी टोटल करो जी, टोटल कितना आएगा जी 10 लाख। आओ जी बैंक का टोटल बताओ बेटे 12,40,000। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कोई मुझे बता सकता है बैलेंस शीट में बैंक का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? बैंक बैलेंस 12 लाख। आइए कैसे भाई 12,40,000 तो टोटल पैसा मिला जिसमें से रिफंड है ना, वेरी गुड, जिसमें से 40,000 हमने रिफंड कर दिया, यानी कि 12 लाख रुपए का बैंक बैलेंस बच गया। कैपिटल के नाम का देखोगे तो बैलेंस शीट में बेटे शेयर कैपिटल कितना आएगा? ये आएगा 10 लाख का। इस क्वेश्चन में कोलसिन एरियस नहीं है वरना हम उसको घटा देते। अच्छा एडवांस हमारा 0 हो गया और ये भी आएगा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का हो जाएगा जी? 2 लाख रुपए का।
तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी जी। आइए फटाफट से निपटाते हैं काम। अब हमारा अगला काम क्या है, हमारा अगला काम है पहले जर्नल एंट्री करना। आइए जी फटाफट से करते हैं जर्नल एंट्री। लो बेटा जी एंट्री, एंट्री नंबर वन जल्दी करो बेटा। सबसे पहले एंट्री यहां पे होगी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा जूम कर लेते हैं, करो जी बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। Being equity share application money received. बेटा अगली एंट्री क्या होगी, कोई बताएगा मेरे को? बोलो जी। ये तो चार लाख share application account debit. हाँ share capital. लो बेटा जी equity share application. हाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कोई चीज, कोई और बच्चा? रिफंड सर, रिफंड वाली अलॉटमेंट। पहले देखो बैंक में कितने आए थे, 440,000। सारे बच्चे ध्यान देंगे, 440,000 ध्यान रखना। अगर कोई एंट्री खतरनाक होती है तो ये वाली होती है, आपको यहाँ पर बड़ा फोकस रहने की जरूरत है, इस जगह पे बस। गलती होगी तो यहाँ होगी, नहीं तो नहीं। तो आइए जरा 440,000 का हिसाब किताब करने बैठे हैं हम लोग, और उसमें से बेटे टेबल में आपने कितने ट्रांसफर किए देखो जरा, टेबल में, टेबल इसीलिए तो बनवाई थी। कैपिटल में कितने जाएंगे जी? सर कैपिटल में जाएंगे 2,00,000। रिफंड में कितने जाएंगे टू बैंक? 40,000। एडवांस में कितने जाएंगे? एडवांस में ध्यान रखना अलॉटमेंट के नाम के जाएंगे, और ये दोनों जाएंगे कॉल इन एडवांस में। जितना पैसा अलॉटमेंट का वो तो लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, और इनके लिए क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस। ध्यान रखना ऐसे होना है बेटा जी काम। सर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके नहीं लिख सकते अलग अलग? बेटा लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूँ, ठीक है? आइए जरा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? आओ जी, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितने गए? 2,00,000 रुपए। और टू बैंक जो रिफंड करना है वो हमने वापस कर दिया जी, लो जी 40,000। तो बच कितने गए? 2,00,000। अब उसमें से जो शेयर अलॉटमेंट का हिस्सा है उसको हम अलॉटमेंट इन एडवांस नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं टू शेयर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अभी अलॉटमेंट हमने क्रेडिट कर दिया, जब ड्यू होगा तो हम उस टाइम डेबिट करेंगे, तो अपने आप अलॉटमेंट हमारा कम रह जाएगा। हाँ जी, कितने का यहाँ पर? 1,00,000 रुपए का। और टू कॉल्स इन एडवांस, या तो फर्स्ट कॉल के नाम से रखते हैं या सेकंड। बोलो बेटा कौन बोलने की कोशिश कर रहा है बार बार? सर मैं आर्यन। हाँ बोलो सर। मैं कह रहा हूँ जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, तो जब बस अलॉटमेंट में करेंगे ना तब सिर्फ हम अलॉटमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। यस आओ जी, अब ड्यू की बात करते हैं जी। बेटे टेबल में अब हम अलॉटमेंट पे ड्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना अलॉटमेंट पहले हमने क्रिएट कर रखा है, जो कुछ पैसा पहले आ रखा है, जब हम यहाँ पे पूरा ड्यू करेंगे तो वो अपने आप नेट हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कह रहे हैं क्या? कैपिटल के नाम का तो 3,00,000 रुपया ला दो जी। बेटा टेबल से देख देख के मैं फिगर लिख रहा हूँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का ला दो जी 2,00,000 रुपए। इस प्रकार से अलॉटमेंट पर टोटल 5,00,000 रुपया आना बनता है। अब 5,00,000 रुपए के लिए मैंने क्या किया बेटे, अलॉटमेंट को यहाँ पर डेबिट कर रखा है। तो आप चेक करो अलॉटमेंट के नाम की, ऑलरेडी मैंने फिगर यहाँ पर 1,00,000 रुपए क्रेडिट कर रखी है,
तो अलॉटमेंट में डेबिट बैलेंस कितने का रहेगा आप? बोलो बेटा जी, 4 लाख का। वेरी गुड। क्योंकि 1 लाख का ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट हो रखा है। शाबाश बेटा। तो लो जी, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग सॉरी अलॉटमेंट ड्यू, पानी पी लेता हूं, बाकी बच्चे आगे करें। हाँ जी आ जाओ बेटा। रिसीव्ड अलॉटमेंट पे बेटे कितने रुपए रिसीव हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी received। बेटा टेबल में चेक करो, टेबल में चेक करो जी। अलॉटमेंट मनी कितने की मिली बेटा? 4 लाख रुपए की, और वही हम लोग वहां पे लिखेंगे 4 लाख रुपए। यहाँ पे कॉल इन एडवांस में दिखाएंगे? नहीं जी, वो हमने लिख दिया ना वहां पे, इधर लिख दिया ना। अगर हम वर्किंग नोट नहीं बनाते, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो डेबिट में कॉल इन एडवांस भी करेंगे ऊपर का एंट्री इफेक्ट हटाने के लिए? नहीं समझे। बैंक अकाउंट डेबिट मान लिया हमने, ये कॉल का पैसा है तो किसके साथ एडजस्ट होगा? कॉल के। ठीक है हाँ, इसलिए। पर इसमें फिर 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा ना? नहीं कहा, तो जो कॉल इन एडवांस का हमने ऊपर ड्यू किया 5 लाख, ठीक है हमारा, और एप्लीकेशन पे हमने क्रेडिट किया था कॉल इन एडवांस 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। तो ये जो क्रेडिट वाला अमाउंट है, ये रिसीव्ड में डेबिट साइड नहीं आएगा? अगर यहाँ 5 लाख को पूरा एडजस्ट कर लो, अगर हम वर्किंग नोट नहीं बनाते तो। देखो मैं कह रहा हूँ, अभी तो हमने वर्किंग नोट में दिखा दिया। नहीं छोड़ो वर्किंग नोट, तो मुझे बताओ वर्किंग नोट तो हम इस बात को प्रूव करने के लिए, अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसमें 1 लाख रुपए अलॉटमेंट के नाम के थे? बताओ पहले। नहीं वो तो एडवांस आ गया था भाई, अलॉटमेंट थे तो अलॉटमेंट के नाम की ना। हाँ जी, तो हम अलॉटमेंट की बात जब करेंगे तो पूरी पूरी करेंगे, पूरे की नोटिस भेजेंगे, फिर वो आके कहेगा कि मेरा एडवांस है तो इसलिए बाकी के पैसे ले लो, तो बैंक में एडजस्ट होगा वो तो। लेकिन चिट्ठी तो पूरी की जाएगी यहाँ, फिर टोटल बैंक अकाउंट ही 5 लाख से डेबिट कर देते हैं फिर तो, क्योंकि एडजस्ट भी तो पूरा पूरा होगा ना इस एंट्री का इफेक्ट। अरे नहीं भाई, बैंक इसका ऑलरेडी आ रखा है, इसका ऑलरेडी बैंक आ रखा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ना, ये वहीं से तो है। हाँ ठीक, आओ जी तो आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉल बेटे, फर्स्ट कॉल पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। एंट्री क्या होगी? आओ जी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ध्यान रखना, कुछ बच्चों को पता नहीं कैसे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो ड्यू के टाइम पर ही यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं कॉल इन एडवांस। नहीं बेटा, वो सिर्फ बैंक के साथ होती है एडजस्टमेंट,
being first call due. being first call due. 2 lakh rupees. Very good. टेबल से चेक करके लिखना. फिर बेटा यहां पे बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 लाख. पर क्या बैंक में पूरे 2 लाख आएंगे? नहीं जी, कॉल्स इन एडवांस जो हमने ऊपर क्रेडिट कर रखा है अब उसमें से यहां पर डेबिट हो जाएगा हमारा कुछ पार्ट एडजस्ट कराने के लिए. कितना पार्ट एडजस्ट हुआ जी? 40,000. तभी तो यहाँ पे बैंक में बाद में आए 1,60,000. तभी तो यहाँ पर बैंक में आए बाद में आए 1,60,000. ठीक है बेटा जी. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं ऑन फर्स्ट ऑन सेकंड कॉल की. सेकंड कॉल पर सबसे पहले क्या होगा? ड्यू होगा. इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने रुपए की है जी सेकंड कॉल? 3 लाख. 3 लाख रुपए की. वेरी गुड. नरेशन अपने आप लिख लेना अभी. ठीक है ना, मैं टाइम बचाता हूं ताकि आपका जल्दी हो जाए काम. अब बेटा रिसीव के टाइम पर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल. वेरी गुड. सॉरी, कितने रुपए की है? 3 लाख. 240,603. इसमें 60,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गए और 2,40,000. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहां तक बात हमारी हो गई जी. अब हम बात करते हैं किसकी? बैलेंस शीट की. लो बेटा जी. बेटे बैलेंस शीट बननी है तो भी टेबल से बन जाएगी, वरना आप जन एंट्री से करोगे जैसा आपको मन करे. हाँ बेटा सर. बट फिर हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस 60,000, जबकि बैंक में तो ऊपर एडजस्ट हो चुका है. अरे भाई बैंक में अब हम कम ले रहे हैं ना. ये देखो, ये बैंक में अब हम यहाँ पे 1 लाख एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 60,000 एडजस्ट कर रहे हैं. देखो 40,000 तो ये एडजस्ट हो गए, 60,000 ये एडजस्ट हो गए. तो बैंक में कम लेने के ले रहे हैं? देने थे 3 लाख लेकिन ले रहे हैं 2,40,000. देने थे 2 लाख लेकिन ले रहे हैं खाली 1,60,000. कर तो रहे एडजस्ट. आइए अब बेटे बैलेंस शीट की बात करते हैं. बैलेंस शीट में सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर फंड्स में. शेयर होल्डर्स फंड शेयर. बेटे माइक बंद रखो. शेयर होल्डर्स फंड्स. इसमें बेटे एक तो है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल. बताओ जी टेबल देखो फटाफट से. टेबल में बैंक वाला कॉलम एक बार अलॉटमेंट स्टेज पर समझा दो. अभी रुको भाई, अब समझाता हूं मैं. शेयर कैपिटल के बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. बताओ बेटे टेबल में कैपिटल के कॉलम का टोटल कितना है? 10 लाख. और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है जी? 2 लाख. 10 लाख तो है बेटा कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का? 2 लाख का. टोटल कितना है जी? 12 लाख. नेक्स्ट बैलेंस शीट में इधर जहां पर करंट असेट्स है, करंट असेट्स उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में
बैंक का कॉलम का टोटल कितना है बेटा? बैंक का कॉलम का टोटल 12 लाख का बैलेंस है 40,000 का रिफंड करने के बाद। ये हमारा हो गया यहाँ पे इसका टोटल। अब एक डाउट मैं ले रहा हूं अभी अंटू का, बाकी बच्चे बताएं मुझे, किसी बच्चे को कोई और डाउट तो नहीं है? क्योंकि डाउट ना स्टार्टिंग वाला है सर, मेरे को ना अभी भी ये क्लियर नहीं है कॉल इन एडवांस का कम आपने बोला है ना, ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा बैलेंस शीट नोट कर ली, पहले मुझे बताओ। हाँ जी, एक मिनट आर्यन सर, वाले कौन से ये वो वाले तो ये बैलेंस शीट होते हैं जिसमें ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब वाले का वही है। बस यहाँ पर हमने सीधा सीधा पेड अप कैपिटल लिख दिया क्योंकि उसको कराने बैठ गया तो फिर बच्चा फिर परेशान हो जाएगा। ठीक है सर। तो बैंक से पहले क्या लिखा, क्या कह रहे हो? बैंक से पहले आपने क्या लिखा? बैंक के पहले लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सी एंड सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर्मेट याद है ना? आइए ठीक है। चलिए अब मैं एक डाउट पहले वरुण का क्लियर कर देता हूँ, वरुण और अंटू दोनों का। वरुण पहले आप ये समझो, यहाँ पर इधर मुझे साथ साथ जवाब चाहिएगा वरुण। जो हमारा पैसा कॉल इन एडवांस का था 40,000 रुपए यहाँ पे एडजस्ट हुआ, ठीक है? तो हम यहाँ पर कॉल के पैसे आने कितने थे बताओ पहले? 2 लाख। 2 लाख लेकिन हमने लिए कितने बैंक में? 160। और इसी बात की हमने वहां पे एंट्री की है, हमने ये वाला पैसा वहां पे जाकर के क्या किया, वहां पे जाकर के इधर डेबिट कर दिया। ठीक है, ये तो समझ आ गया। यही काम सेकंड कॉल के लिए है। हाँ जी, पर यही चीज डेबिट वाली हमारी अलॉटमेंट के टाइम पे क्यों नहीं? क्योंकि अलॉटमेंट का आ तो गया हमारा, अलॉटमेंट में होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम कह रहे हो कि इसको सर हम बैंक के साथ क्यों नहीं करते, ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी, ये दरअसल यहाँ बिल्कुल सही तुम्हारा डाउट है। ये ना एक्चुअली यहाँ प्रैक्टिस इस तरह की लेके चलते हैं कि कॉल का तो पैसा कॉल ने एडवांस में डाल दिया लेकिन यहाँ पर अकाउंट वही खोला जो आगे जाकर के सेम अकाउंट डेबिट खुल रहा है। अच्छा, और कॉल के केस में क्या है सुनो, इसका मतलब कॉल के केस में क्या है, कॉल इन एडवांस खोला और वहां जाके क्या नाम क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ना, अकाउंट का नाम अलग है कि नहीं है? हाँ जी, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट कराना था, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया तुरंत के तुरंत क्योंकि सेम नाम से वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया था। मतलब इसका भाई इतना ही रीजन है, लेजर सेम नेम का है इसलिए वहां कॉल इन एडवांस नहीं आया, वहां लेजर डिफरेंट नेम है तो कॉल इन एडवांस डेबिट कर दिया। आओ अंटू का डाउट लेता हूं मैं, बिल्कुल सही यही है। अंटू इधर आओ, कहां अटक गए थे तुम इसमें, अब मुझे बताओ जल्दी से। तो बैंक कॉलम में बैंक डाउट पूछो कि सर ये डाउट है इसमें अलॉटमेंट पर हमारा जो बैंक है ये नहीं समझ में आया की बात कर रहे हो? सर एक बार दोबारा इसको बताओ, तुम्हारी तरफ से नॉइस बहुत आ रहा है पीछे, पता नहीं क्यों। देखो भाई 3 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम के आने थे और 2 लाख रुपए प्रीमियम के नाम प्रीमियम के आने थे, टोटल कितने आने थे? 5 लाख। उसमें से ऑलरेडी आ रखे थे ये वाले 1 लाख, दोबारा थोड़ा आएंगे, तो कितने आएंगे यहाँ पर टोटल? सिर्फ 4 लाख। ठीक है अंटू? हाँ सर। उसके बाद सर फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में भी यही हिसाब है, लगाओ जी फर्स्ट कॉल में हिसाब। आने थे कितने? 2 लाख, ऑलरेडी आ रखे थे 40,000, तो बाकी तो आएंगे बैलेंस कितने? 1,60,000। हाँ सर ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकंड कॉल में भी है। बेटे सब बच्चे एक बार वीडियो ऑन करेंगे जल्दी से, सर एक बार एप्लीकेशन पे 2 वाली एंट्री बता दो। अच्छा कौन सी बेटा?
एप्लीकेशन में जो ड्यू वाली एंट्री है। हाँ लो दोबारा देखो देखो कैपिटल बैंक में कितने पैसे आए थे 4,40,000, उसमें से रिफंड कितना हुआ पहले ये डिसाइड करो। रिफंड हमारा हुआ 40,000 का, पक्का टेबल से मैच करते रहना। और कैपिटल में कितने गए 2,00,000। और अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट हुए, एक लाख है ना अलॉटमेंट पर। देखो टेबल, टेबल इसलिए तो बनवाई थी कि आपको दिक्कत ना रहे। 1,00,000 रुपए एडजस्ट हुए टेबल, देखो हुए बेटा 2,00,000 में से 1,00,000 तो यहीं पर एडजस्ट हो गया ना अलॉटमेंट पे, इसलिए वहां पर ये। हाँ अब आगे आओ, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कितने एडजस्टमेंट होना है, यहां पर 40,000 और प्लस 60,000 फर्स्ट कॉल पे 40 और सेकंड कॉल पे 60, तो टोटल यानी कि 1,00,000 रुपए यहाँ पे कॉल इन एडवांस में थे। डन। और इंटरेस्ट की बात अगर होगी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं थी, अगर इंटरेस्ट देना हुआ तो किस पे देंगे बताओ, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे किस पे देंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे पे। बेटे बात समझ में अलॉटमेंट में नहीं, नहीं यही तो मैं बता रहा था परसों भी, बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं सर एडवांस तो एडवांस है, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पे नाराजगी दिखाई है क्या। फिर कहते देते हुए कह रहे हैं कि किस पे लिखा है इंटरेस्ट, कि कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो ठीक है फिर कॉल के पैसे दे देंगे। और जब लेने की बारी आएगी ना कॉल्स इन एरियस तो क्या कहेंगे पता है, अलॉटमेंट भी एक तरह की कॉल होती है, तो अलॉटमेंट वाला अगर पैसा रह गया तो बेटे उसका पैसा भी वो कॉल इन एरियस में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि लेने की बात है, किसकी बात है, लेने की बात है। बात समझ में आ रही है, लॉजिक में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, किसमें हो गया उल्टा पुल्टा, माने बात थोड़ा माने कंपनी अपने ही तक से सोच रहे हैं। हाँ अपने फायदे की सोच रहे हैं कंपनी वाले, बिल्कुल सही करो, कंपनीज एक्ट में अपने फायदे की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है बेटे, कॉल से नियरेस्ट की बात होगी तो वो सभी चीज को जिसका पैसा नहीं आएगा कॉल नियरेस्ट में काउंट कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन पे नहीं आया हो, क्योंकि फिर तो फिर तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए तो एप्लीकेशन पहले रिसीव की एंट्री होती है। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकने जा रहे हैं, ये हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ, इसमें एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं और कराऊंगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी डिस्काउंट की। बहुत रेयर चांस है कि डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए, आएगा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा चाहता हूं कि एक भी पॉइंट ऐसा ना बचे कल को मान लिया कोई क्वेश्चन आ जाए। पता है डिस्काउंट कब होता है इशू, या तो स्वेट इक्विटी पे होता है या ईसोप पे होता है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, मान लिया गलती से वो स्वेट इक्विटी बोल के कर दे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कल कल हम लोग करेंगे इससे आगे वाली बात, कल हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे अपने स्टडी मॉड्यूल वाले। ठीक है, चलिए मैं जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर करता हूँ जी।